वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। नाउ वी विल स्टार्ट वर्कबुक पेज नंबर 84, लेसन टाइम। ओके, आज हम टाइम को सीखेंगे, टाइम को पढ़ेंगे। देखिए, लुक एट द क्लॉक गिवन। यहाँ हम उनको जो क्लॉक दी गई है, हमें इसको देखना है, हमें इसको ध्यान से देखना है। इट हैज़ टू हैंड्स। हाउ मैनी हैंड्स? टू हैंड्स। इट हैज़ टू हैंड्स, इसके दो हैंड्स हैं, दो हाथ हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, हाउ मैनी हैंड्स आर देयर? टू हैंड्स, वन एंड टू, स्मॉल एंड लॉन्ग, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। टू हैंड्स हैं, एक शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट मीन्स छोटा, एंड लॉन्ग मीन्स बड़ा, लंबा। ठीक है, एक शॉर्ट हैंड है, एक लॉन्ग हैंड है। द शॉर्ट हैंड शोज आवर। शॉर्ट हैंड जो है, ये शॉर्ट हैंड जो छोटा आवर है, ये आवर हैंड को शो करता है। आवर मीन्स घंटे, जो घंटे होते हैं उनको शो करता है। और द शॉर्ट हैंड शोज आवर, द लॉन्ग हैंड शोज मिनट। और जो लॉन्ग हैंड है, लॉन्ग मीन्स लंबा, बड़ा वाला जो हैंड है वो मिनट को शो करता है। जैसे आप टाइम हम देखते हैं कि 5:10 हुए या 5:20 हुए, तो जो मिनट्स को है, मिनट को शो करता है लॉन्ग हैंड, और आवर्स को जो शो करता है वो है शॉर्ट हैंड। ओके चिल्ड्रंस, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लॉक के टू हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड मीन्स छोटा, और बड़े लॉन्ग हैंड मीन्स बड़ी वाली सुई, छोटी वाली सुई एंड बड़ी वाली सुई। ओके चिल्ड्रंस, और जो शॉर्ट हैंड है वो आवर को शो करती है, और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट को शो करती है। ओके, इफ द लॉन्ग हैंड इज एट 12, यदि लॉन्ग हैंड मीन्स जो बड़े वाला है, लंबा वाला जो है, यदि वो 12 पर है। ओके, द शॉर्ट हैंड इज 6, और छोटी वाला जो हैंड है वो यदि 6 पर है, तो इट इज 6 o'clock, तो 6 o'clock होंगे। मान देखिए, एग्जांपल समझिए कि शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर पे होता है, और अगर लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे है, तो वही टाइम होता है। मान लीजिए अगर शॉर्ट हैंड 8 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पर है, तो 8 o'clock होगा। ओके चिल्ड्रंस, अगर 9 पर शॉर्ट हैंड है और लॉन्ग हैंड 12 पर है, तो 9 o'clock होगा। जिस पर भी शॉर्ट हैंड होता है, जिस भी आवर पर, जिस भी नंबर पर शॉर्ट हैंड होता है, वही टाइम होता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे हम लोग, राइट द करेक्ट टाइम इज द बॉक्सेस। अब हमको ये जो जितनी भी क्लॉक्स दे रखी हैं, लुक एट द क्लॉक्स को ध्यान से देखिए आप लोग, लुक द क्लॉक्स केयरफुली। देखिए, शॉर्ट हैंड 5 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे, मीन्स 5 o'clock। शॉर्ट हैंड जिस भी हैंड पे होता है, जिस भी नंबर पे होता है शॉर्ट हैंड, वही टाइम होता है। देखिए, शॉर्ट हैंड 5 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पे, मीन्स 5 o'clock। ओके, नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट हैंड 9 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, क्या टाइम हुआ है? 9 o'clock। ओके, शॉर्ट हैंड 9 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, 9 o'clock। शॉर्ट हैंड 7 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, 7 o'clock। ओके चिल्ड्रंस, 7 o'clock। शॉर्ट हैंड 3 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पर है, तो टाइम क्या हुआ? 3 o'clock। हम लिखेंगे 3 o'clock। शॉर्ट हैंड मीन्स छोटी वाली सुई जिस भी नंबर पे होती है, वही टाइम होता है। और बिग हैंड यानी लॉन्ग हैंड जो मिनट वाला हैंड है, वो हमें 12 पे होना चाहिए, और शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर पर होगा, वही आवर, वही टाइम हम शो करेंगे, 3 o'clock। ओके, नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट हैंड 11 पर है और लॉन्ग हैंड 12 पर है, छोटी सुई 11 पर है और बड़ी वाली सुई जो है 12 पर है, तो क्या टाइम होगा? 11 o'clock। ओके, नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट हैंड 1 पर, लॉन्ग हैंड 12 पर, 1 o'clock, 1 o'clock। ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड? शॉर्ट हैंड, द क्लॉक हैज टू हैंड्स, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। द शॉर्ट हैंड शोज आवर एंड लॉन्ग हैंड शोज मिनट। ओके,
वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं और वन मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज. मैच द क्लॉक विद द करेक्ट टाइम. हमको मैच करना है क्लॉक, ये क्लॉक को देखना है और जो टाइम है उससे मैच करना है. देखिए, शॉर्ट हैंड 2 पर, लॉन्ग हैंड 12 पर, 2 o'clock. 2 o'clock देखिए, 2 o'clock से मैच कर दीजिए. 2 o'clock, ये 2 o'clock. नेक्स्ट देखिए, 4 शॉर्ट हैंड 4 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे, 4 o'clock. 4 o'clock से मैच कर दीजिए. 4 o'clock. नेक्स्ट देखिए, 6 12 पर है, 6 o'clock. 6 o'clock से मैच कर दीजिए. 6 o'clock, 6 o'clock. नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट हैंड 8 पे, लॉन्ग हैंड 12 पर, 8 o'clock. 8 o'clock, 8 o'clock से मैच करना है हमको. 8 o'clock. ओके, नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट हैंड 10 पर, लॉन्ग हैंड 12 पर, मीन्स 10 o'clock. 10 o'clock से मैच कर दीजिए. 10 o'clock. ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ हैंड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट, दोनों हैंड्स जो है 12 पे, मीन्स 12 o'clock. ओके चिल्ड्रंस, तो आज हमने टाइम को लर्न किया है, टाइम को सीखा है. आप एक बार घर पर अपने पेरेंट्स से टाइम को वापस सीखना और इसे समझने की कोशिश करना. ओके, थैंक यू.